जन्माष्टमी 2024 26 से 27 अगस्त ये है सही तारीख। शुभ मुहूर्त, शुभ समय। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे साल 2024 में जन्माष्टमी कब की है, 26 या 27 अगस्त। पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, शुभ योग और पूजा विधि के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सीकेडी प्रेजेंट्स में। मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए भाद्रपद अष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। हर साल जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि को हुआ था। इस दिन व्रत रखकर भगवान कृष्ण का पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आइए जानते हैं साल 2024 में जन्माष्टमी कब है, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन बन रहे शुभ योग क्या है। जन्माष्टमी तिथि व शुभ मुहूर्त 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त सोमवार को मनाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है, साल 2024 में जन्माष्टमी 26 अगस्त सोमवार को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि आरंभ होगी 26 अगस्त प्रातःकाल 3:39 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 27 अगस्त प्रातःकाल 2:19 पर। रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा 26 अगस्त संध्याकाल 3:55 पर। रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा 27 अगस्त संध्याकाल 3:38 पर। निषिद्ध काल पूजा का समय होगा 26 अगस्त रात्रि 12:00 से 12:45 तक। जन्माष्टमी व्रत का पारण कब करें? पंचांग के अनुसार गृहस्थ जीवन वाले जन्माष्टमी का व्रत 26 अगस्त को रखेंगे, उनके लिए व्रत का पारण 27 अगस्त प्रातःकाल 5:56 के बाद किया जाएगा। जन्माष्टमी पूजन विधि, जन्माष्टमी व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल पर लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा और देवकी जी के लिए प्रस्तुति ग्रह बनाएं। मध्यरात्रि पूजा मुहूर्त में लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से अभिषेक कर तिलक व उनका श्रृंगार करें। अब उन्हें उनका प्रिय माखन मिश्री का भोग लगाएं और झूला झूलाएं। अंत में आरती कर अगले दिन व्रत का पारण कर व्रत संपन्न कर करें कृष्ण जन्माष्टमी शुभायोग। साल 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग रहेगा। इस दिन चंद्रमा भी वृषभ राशि में रहेंगे। चंद्रमा का गोचर 25 अगस्त को रात 10:19 पर वृषभ राशि में होगा। इस शुभ अवसर पर हर्षण योग का निर्माण रात 10:18 से हो रहा है। वहीं सर्वथा सिद्ध योग का संयोग संध्याकाल 3:55 से हो रहा है। इसके अलावा भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर शिववास का योग भी बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में ये सभी योग पूजा पाठ के लिए विशेष शुभ माने जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई सभी जानकारियाँ पसंद आई हो और सही लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट करके आगे भी शेयर करें। धन्यवाद।